अश्वत्थामा। जब भी हम ये नाम सुनते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो हमारे मन में महाभारत काल के अश्वत्थामा के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, और याद आ जाता है भगवान श्री कृष्ण का वो श्राप जो अश्वत्थामा को मिला था। उसी श्राप से लोगों के दो मत हैं, एक जो अश्वत्थामा को आज भी जीवित मानते हैं और एक जो नहीं मानते। आज इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है। इज अश्वत्थामा स्टिल अलाइव? सबसे पहले शुरू करते हैं पहली स्टोरी के साथ। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर का ये कहना था कि उसके पास एक पेशेंट आता है जिसके फोरहेड पर कुछ अनयूजुअल घाव था। डॉक्टर ने उसे बहुत सी मेडिसिन दी, स्टिचिंग की, लेकिन उस पेशेंट के घाव तस से मस न हुए। तब डॉक्टर ने मजाक में उससे पूछ लिया कि क्या तुम अश्वत्थामा हो। तब डॉक्टर जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो डर के मारे कांप उठता है। जिस सीट पर पेशेंट का इलाज कर रहा था वो खाली पड़ी थी। डॉक्टर तुरंत बाहर जाता है, स्टाफ और लोगों से पेशेंट के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा। स्टोरी नंबर टू। फेमस पायलट बाबा, जो पहले भारतीय वायुसेना में फाइटर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बुक हिमालय कह रहा है में कुछ मेंशन किया। उन्होंने अश्वत्थामा को हिमालय की पहाड़ियों में घूमता देखा है, ऐसे वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, और अब वो हिमालय के ट्राइब्स के साथ रहते हैं और भगवान शिव की आराधना भी करते हैं। ये सारी चीज़ें फेमस पायलट बाबा ने अपनी ही बुक हिमालय कह रहा है में मेंशन किया है। स्टोरी नंबर थ्री। सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी है। बहुत से लोग मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी उन कम लोगों में से एक हैं जो अश्वत्थामा से मिले थे। अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द बेदी बाण चलाना सिखाया था, जिसका जिक्र उनकी किताब पृथ्वीराज रासो में चांद बरदई ने किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सामना मोहम्मद गोरी से हुआ। तब कवि चांद बरदई ने यह कहा, चार बास 24 गज अंजुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और फिर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के तीर लगते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी घटना काबुल की है, जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ देता है और उन्हें काबुल ले जाता है और वहां कैद करके रखता है। स्टोरी नंबर फोर काफ़ी दिलचस्प है। आसिरगढ़ के बहुत पुराने किले पर एक पुराना शिव मंदिर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा रोज सुबह वहां आके भगवान शिव की पूजा आराधना करता है। इस बात की खबर न्यूज़ चैनल वालों को मिली तो समय समय पर कई न्यूज़ चैनल वाले वहां गए, और वो भी चौंक गए जब पूरी रात मंदिर के बाहर पहरा देने के बाद, बहुत सारे कैमरे लगे होने के बाद, मंदिर में सिर्फ एक दरवाज़ा था, ना कोई खिड़की थी, ना कोई दूसरा द्वार था। तब भी जब मंदिर का दरवाज़ा खोला गया सुबह, जब जिसकी चाबी भी न्यूज़ चैनल वालों के पास ही थी, तो वो चौंकते रह गए, क्योंकि उसी शिवलिंग के ऊपर पुष्प चढ़े हुए थे, जल चढ़ा हुआ था, सारी पूजन सामग्री उसके ऊपर विधिवत था, और जो जानकारी स्थानीय लोगों ने दी वैसी ही सारी चीज़ें वहाँ उनको देखने के लिए मिली। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हिट लाइक बटन इफ यू एंजॉयड द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।